Far Cry, one of the most recognizable franchises in the world, पर क्योंकि ये गेम आफ्टर ऑल यूबीसॉफ्ट की है, इसलिए ऑलमोस्ट सारी Far Cry गेम्स सिवाय एक के जो कि नंबर वन होगी, सब गेम्स एक जैसी फील होती हैं, वही सेम एनिमेशंस और वही फील, वही एटमॉस्फेयर। But this franchise is not a bad franchise by any means. It's something else. Although ये something else वाला topic किसी और video में discuss करेंगे, but तब तक के लिए let's rank top 5 Far Cry games. Number 5, Far Cry 1. Far Cry 1 को Crytek Studios ने डेवलप किया था और Ubisoft ने पब्लिश किया था। इस गेम की सेटिंग एक मिस्टीरियस ट्रॉपिकल आइलैंड की थी। इस गेम में हमारा करैक्टर एक एक्स स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर होता है नेम्ड जैक क्रेवर, जिसका काम होता है एक जर्नलिस्ट को ढूंढना, जो कि गुम भी आयरोनिकली उसकी ही वजह से हुई होती है जब वो फर्स्ट मिशन में उसको एक्सकॉर्ट कर रहा होता है। ये गेम अनलाइक न्यूअर Far Cry गेम्स काफी ज्यादा लीनियर थी। अपने टाइम के हिसाब से इस गेम के ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे थे, पर इस गेम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस गेम की AI बहुत वीक थी। आपके एनिमीज आपको कभी देख ही नहीं पाते थे, कभी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे ढंग से, बहुत कमजोर AI था इस गेम का। नंबर 4, Far Cry 4। Ah, the good old story of Ajay Gale in Nepal. Although it was an average game with good graphics, but the biggest problem of this game was कि ये game Far Cry 3 से बिल्कुल भी different नहीं थी। ये game Far Cry 3 की exact copy paste थी, with almost zero innovation in terms of gameplay mechanic और game mechanics. स्टोरी मुझे काफी अच्छी लगी इस गेम की, बट ये गेम मुझे किसी तरह से अलाइव नहीं लगी। इसका वर्ल्ड काफी ज्यादा डेड था, NPCs काफी ज्यादा वीक थे, सब NPCs एक जैसे थे, मतलब साइड क्वेस्ट की क्वालिटी बहुत बकवास थी इस गेम में। जब तक मेरा इस गेम को एंड करने का टाइम आया, जब मैं गेम की एंडिंग तक पहुंचा, तो मैं बस यही सोच रहा था, और इस गेम से मैं इतना बोर हो चुका था कि मैं यही सोच रहा था कि ये गेम आखिर एंड कब होगी, इस गेम का एंड कब होगा। तो आप समझ सकते हो ऐसा कभी गेम में होना नहीं चाहिए कि मन में ये आए कि गेम कब एंड होगी। ये गेम थी तो अच्छी, मतलब स्टोरी अच्छी थी इस गेम की, वर्ल्ड भी काफी ब्यूटीफुल था, पर जो साइड कंटेंट था वो बहुत वीक था इसके। नंबर 3, Far Cry 2। मैं कहूंगा कि ये गेम सबसे ज्यादा अंडररेटेड गेम है इस फ्रेंचाइज की। इस गेम में स्टोरी के सिवा और कोई भी कमी नहीं थी, और ये गेम इतनी ज्यादा रियलिस्टिक थी कि इस गेम में मिनी मैप भी नहीं था। साइड में कोई मैप आप नहीं खोल सकते थे, आपको डायरेक्शंस देखने के लिए भी अपने हाथ में मैप खोलना पड़ता था, जो कि रियल टाइम में खोलता था। जब आप मैप खोलते थे तो आपकी गेम पॉज नहीं होती थी, वो रियल टाइम में ही आप मैप को अपने हाथ में खोल रहे होते थे। और अगर आपको लगता है रियलिज्म यहाँ पर खत्म होती है, तो आप ये देखें कि इस गेम की डिटेल्स किस तरह की थी। और ये ही नहीं, इस गेम में हमें डेंगू तक हो जाता था, हाँ लिटरली डेंगू। ऑल इन ऑल ये गेम ओकेश थी एक्सेप्ट अ बैड स्टोरी, दिस गेम वॉज ऑसम एंड ये टोटली अपना नंबर 3 की पोजीशन को डिजर्व करती है। नंबर 2, Far Cry 3। हाँ मुझे पता है कि मुझे अब काफी ज्यादा हेट मिलने वाला है कमेंट में, बट मैंने इसीलिए पहले वो डिस्क्लेमर दिया था कि ये मेरे अपने ओपिनियन हैं। मेरे हिसाब से Far Cry 3 एक बहुत ही ज्यादा अच्छी गेम थी, और इसकी स्टोरी आज तक की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से एक थी। बट इस गेम में एक्सप्लोरेशन काफी ज्यादा बोरिंग एंड लेथार्जिक थी। पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाओ, फिर मैप को अनलॉक करने के लिए टावर चढ़ो, और इस साइकिल को बार बार रिपीट करते रहो, एंड दैट्स इट। अदर देन दैट, दिस गेम हैड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन ऑफ ऑल टाइम, वैस। 90% गेमर्स इस विलन को जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल विलन में से एक है। इस विलन को देखकर ही ऐसा लगता है कि इसमें मर्सी है ही नहीं, और ये सच कहूं तो मुझे हीथ लेजर के जोकर की याद दिला देता है। बट इन द एंड, व्हेन ऑल इज सेड एंड डन, दिस गेम इज ट्रूली डिजर्विंग ऑफ इट्स नंबर 2 प्लेस, और कुछ गेमर्स के लिए तो मैं मानता हूं ये गेम नंबर 1 भी होगी फ्रेंचाइज में से। एंड नंबर 1, Far Cry 5। Far Cry 5 ना ही Far Cry 3 है, ना ही Far Cry 4, इट्स बेटर। स्ट्रैंडेड इन द मिडल ऑफ होप काउंटी मोंटाना, द प्लेयर शेरिफ्स डेप्यूटी इन द रीजन मस्ट फाइंड अ वे आउट एंड गेट इन द कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यूबीसॉफ्ट ने अपनी जॉब एक्सीलेंटली की है ये शो करने में कि अगर कोई रिलीजियस कल्ट और एनी अदर कल्ट फॉर दैट मैटर बिना कंट्रोल के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। The location of Montana
is a perfect selection by Ubisoft. It is gorgeous. ये वर्ल्ड ऐसा है जिसमें आपको अपना टाइम देना होगा और इसको एक्सपीरियंस करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास आज अगर कोई गेमिंग पीसी या कंसोल नहीं है तो कल खेलो, पर इस गेम को जरूर खेलो। ये गेम का वर्ल्ड बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और गॉर्जियस है। इस ऊपर से इस गेम का साउंड ट्रैक हर एंगल से अमेजिंग है। मैं कहूंगा मैंने आज तक कम से कम 100 या 200 गेम्स पार की हैं और उनमें से मुझे सिर्फ अबाउट 5 गेम्स का ही म्यूजिक अच्छा लगा है। उनमें से हैं विचर 3, असैसिन क्रीड और मेजर ट्रिपल ए टाइटल्स, पर ना नंबर 1 या नंबर 2 पे फारक्राई 5 को ही रखूंगा। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, जरा इस वी विल राइज अगेन सॉन्ग को थोड़ा सा सुने, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस वी विल राइज अगेन के लिंक को अटैच कर देता हूँ। आप वहां पर दबाकर भी इस सॉन्ग को एक बार दोबारा सुन लेना वीडियो के एंड होने पर। पहले मत सुनना यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है। तो चलो फिर इस गेम को थोड़ा सा सुनते हैं और ब्लिस्ड हो जाते हैं। We'll get what they want, the poor will lose what they need. The devil knows our fears, he told all his friends. They'll block the sun with their lies as darkness descends. बहुत लोगों ने एंड बाय दैट मीन नियरली एवरीवन ने इस गेम की एंडिंग की कंप्लेंट की है, बट फॉर मी ये एंडिंग मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग में से एक थी। मैं इस गेम की एंडिंग को नंबर 1 एंडिंग देता हूँ अपने गेमिंग करियर में। करियर तो नहीं बोल सकते, आज तक मतलब जितनी भी गेम खेली है अपने गेमिंग हिस्ट्री में मैं इसे नंबर 1 पोजीशन देता हूँ, पर सिर्फ मेरे ओपिनियन से, फैक्ट मत समझ लेना दोबारा से इस बात को। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और इन फारक्राई गेम्स को खेलो। हर फारक्राई गेम अच्छी है, कोई भी बुरी नहीं, बस कंपेयर करें तो एक दूसरे से कम ज़्यादा है। और किसी के लिए हो सकता है फारक्राई 1 अच्छी हो, किसी के लिए 5, उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब ये है गेमिंग का मतलब, ये आपको मज़ा आना चाहिए। कुछ लोगों को मज़ा मोबाइल की गेम में आ सकता है, किसी को पीसी में, तो कंपेयर करने का तो मतलब ही नहीं बनता। पर फिलहाल तब भी ये मेरा ओपिनियन था और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रैंक करो गेम्स को, तो मैंने ये बना दिया। अब अगली वीडियो मेरी होगी रेजिडेंट ईविल फ्रेंचाइज को रैंक करने पे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टू स्वीट एंड बाय बाय। डाउन आवर प्रॉमिस्ड पाथ, वी वॉच द सन कम अप फ्रॉम इट्स बेड ऑफ ब्लैक, वी विल एंटर